फ्लैशबैक। तो गाइस ये नवरात्रि का पहला दिन, तो गाइस मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट गया सर। गाइस मैं तुम लोगों को ये बताना चाह रहा था कि मैंने आज से ज्वाइन कर लिया स्विमिंग अकेडमी फाइनेंस बनाऊँ। तो अभी मैं खाना खा के थोड़ी देर बाद जाऊँगा अपनी स्विमिंग क्लास। कल तो नहीं जा पाया था क्योंकि कल था सरहुल, तो उसी की वजह से जुलूस निकलता है। तो कल लाइट भी नहीं थी 10:30 तक, और जाम इतना होता कि जाके कोई फ़ायदा नहीं होता। प्लस मुझे याद आया कि मुझे टोपी लेनी थी उस स्विमिंग के लिए, जो बोला गया था। तो अब तो देखते हैं अगर अरेंज हो पाती तो लेंगे। मेन रोड में से वो भी होती है, अगर ट्रैफिक होता है तो देखते हैं आता ही तो आ जाएगी। नहीं तो देखेंगे भाई क्या करना, आज भी छोड़ना पड़ेगा, आज भी टोपी के बिना जाना पड़ेगा। स्विमिंग में बहुत मज़ा आने लगा मुझे सही, मतलब ऐसे पानी में फ्लोट कर रहे हो, कुछ इफेक्ट नहीं लग रहा, बहुत मज़ा आता। अब तो जाने का मन करता है, तो आज जाएंगे। तो गाइस ये है मेरे स्विमिंग कैप। इसका मेन मोटिव ये होता है, मतलब इसको पहनने का, कि मान लो तुम पानी के अंदर हो, ऐसे ऊपर आए और तुम्हारा बाल जो है तुम्हारे आंख में आ गया, फिर उससे तुमको ऐसे हटाना पड़ रहा है बार बार, तो टाइम वेस्ट हो रहा है और ऐसा बहुत डिस्टर्बेंस भी हो रहा है। तो इसलिए होता है ताकि बाल नीचे ना आए, जिसके बहुत बड़ा, और ये उन लोगों के लिए जिनके बहुत बड़े बाल होते हैं। पर मेरे तो बाल ही उतने बड़े नहीं है, देखो इतने बड़े बाल हैं मेरे, बहुत दर्द देता है इसको। मेरे बहुत बड़े बाल तो है नहीं, तो पता नहीं इसका क्या जरूर, फिर भी इंस्ट्रक्टर ने बोला कि ये पहनना ही है। तो गाइस मैं एक्साइटमेंट में 15 मिनट पहले पहुंच गया था, और मुझे पता नहीं था कि तब लेडीज़ का होता है स्विमिंग का टाइम, तो हमें 10 मिनट रुकना पड़ा, उसके बाद मेरी स्विमिंग हो गई चालू। यार अपनी स्विमिंग तो बहुत अच्छी रही, तो चलो अब चलते हैं थोड़ा खाने पे। तो गाइस तुम लोग का भी जो दिख रहा होगा, मुझे भी नहीं समझ आ रहा है क्या हो चुका है और कैसे हो चुका है। मतलब मैं ऐसे नॉर्मल आकर रखा हूँ, तो एक आगे ऐसी हो गई है और एक अच्छी स्कूल रही है। तो पता नहीं, थैंक गॉड इसमें नहीं हुआ कुछ और इसमें हो गया, दोनों में जाता तो मैं पागल हो जाता, मैं किसी शक्ल नहीं दिखा पाता अपनी। सुबह तो ऐसा हो गया था कि जो किची थोड़ी थोड़ी सी है ना, पूरी आँख में थी भाई, मतलब मैं से आँख खोल नहीं पा रहा था, आँख खोल रहा था किच्ची निकल रही थी पूरी, इतना ऐसा इतना क्रीपी था ना वो, सही में मैं कैमरा में भी नहीं दिखा सकता, मैंने मतलब रिकॉर्ड तो किया ही नहीं, क्योंकि कैसे भाई वो मैं खुद देख के डर गया था एक बार में। तो मतलब यहाँ पूरी पूरी ऐसे आईब्रोज जो है ना, पूरा किच्ची से भरा हुआ था, इतना क्रीपी था ना भाई सही में, समझ मतलब सोच के बकवास लग रहा है। तो इसमें दवाई तो डाली है मैंने, सुबह ही डाली थी, अभी मम्मी आएगी तो फिर से डाल देगी, और कपड़े सुखाने गई है तो फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, आज ज़्यादा स्क्रीन देखना नहीं, क्योंकि जल्दी से जल्दी इसको ठीक करना है। मैं स्कूल में ही से नहीं घूम सकता भाई, सही में दिमाग ख़राब हो जाएगा। वैसे भी 1 से चालू है स्कूल, 27 आज शायद है भाई, देखो कुछ तो करना होगा अभी इसका। और मैं ज़्यादा कोशिश करूँ कि ऐसे खुली रखूँ ताकि थोड़ा नॉर्मल हो गया, पर नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पर लाल हो गया है पूरा। शिट, इसलिए तो बोल रहे थे स्कूटी ले आओ। अबे यहाँ इग्निशन तो आए, तो भाई ये सब तुम देख सकते हो, जो मेरा आँख में कल हुआ था अभी थोड़ा बहुत तो है, आँख फूली नहीं हुई लेकिन थोड़ा लाल लाल है अंदर में, तुम लोग दिख नहीं रहा होगा क्योंकि थोड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा। देखो इधर ऐसा जो ये है मेरा, क्या है इसको कुछ तो बोलते हैं, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे थोड़ा अलग है, तो इसलिए मैं अभी इसको पहन के नहा रहा हूँ ताकि साबुन वाबुन चल जाएगा तो और लाल हो जाएगा, इसलिए इसको पहन रहे हैं, तो इससे कुछ नहीं जाएगा अंदर, ना साबुन ना पानी ना कुछ। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ सागर भैया के घर, वो अभी घूमने गए थे शादी के बाद मालदीव्स, तो फिर वहाँ से मुंबई भी गए थे, तो हम लोग के लिए डोनट्स लाए दिए, तो वो लेने जा रहे हैं और बातचीत भी करने जा रहे हैं, चल चलते हैं। तो गाइस मम्मी का फ़ोन टूट गया था, तो इसलिए मम्मी ने अपना फ़ोन बनवाने के लिए भेजा हुआ था, तो इसलिए मुझे अपना फ़ोन देना पड़ा मम्मी को ताकि किसी से बात कर सके, तो इसलिए मैं कुछ भी वीडियो। क्या है गिफ्ट है बेटा, खोलेगा तब हम भी खोलेंगे, तभी ना पता चलेगा क्या है गिफ्ट, कौन भेजा है, बहुत कोई मेरा चाहने वाला, तुमको क्या पता फिर है क्या। देखो माँ कितना बढ़िया ड्राई फ्रूट होगा, घड़ी रखने वाला है, नहीं है घड़ी रखता है,
इधर घड़ी है, ये देखिए सब हम लोग वाला फिर रख दो उसमें। गाइस अभी ये डोनट खाएंगे, इसका ये निकल गया था, इसका ये जो बिस्किट है ऊपर में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस मम्मी लोग अभी कहीं बाहर गई थी और मुझे जाना अपनी स्विमिंग क्लास, तो पता नहीं मम्मी लोग अभी कब आएगी, तो देखो भाई आज जाते हैं कि नहीं। वैसे तो मुझे तो आँख में हो गया तो उसकी वजह से मैं जा नहीं रहा था। अरे वाह वाह, तो पूरा फिक्स हो गया, मैंने नोटिस भी नहीं किया था। हाँ, पूरा फिक्स हो चुका है, सीख लेते हैं। क्योंकि कहीं भी जाते हैं ना ऐसे ऐसा, मतलब ऐसा होटल में जहाँ स्विमिंग पूल रहता है तो उतना इंजॉय नहीं कर पाता, छप 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 वही करते रहते हैं तो उसमें मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैं तो यही मेन रीजन है जिसके लिए मैंने स्विमिंग क्लास ली है अभी। तो अब देखो 5 तो बज गए, मम्मी लोग पता नहीं कब आएगी, और मैं ज़्यादा पहले चले जाता हूँ तो भीड़ नहीं रहती है ना, तो अपना स्विमिंग करने में अलग मज़ा आता है। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ स्विमिंग करने, भैया गया है कुछ ऐसा कांड का देखने कि अगर मैं कभी अकेला हूँ तो घुसने थे तो वो कांड बनता है यहाँ पे, तो वो देखने क्या कैसे बनेगा। तो मैं भी जा रहा हूँ स्विमिंग करने, वो आएगा तो वीडियो बना लेगा। चलो भाई। तो गाइस मैं आ गया हूँ स्विमिंग क्लास से, आज मैंने पूरा हाथ वाला भी सीख लिया भाई। तो अब बस करने की सांस रोकने का थोड़ा प्रैक्टिस करना है, और करना है कि थोड़ा डेप्थ बढ़ाना है। हाँ, जैसे मैं 5 फीट में घुस गया था अच्छे से हो जा रहा था, बस होता है ना कि खड़ा नहीं हो पाता हूँ मैं उसमें, तो खड़ा होकर करना भी क्या, क्योंकि तैरना है ना पानी में, तो बस वही सांस रोकना मेन है जो सीखना है, बाकी तो ऐसे हो ही रहा है बस, उसको प्रैक्टिस करते करते और रिफाइन हो जाएगा वो।